पर जो घायल लोग थे अस्पतालों में भर्ती थे, महिलाएं थे, बुजुर्ग लोग थे, बच्चे थे, उन सबसे मुलाकात की। और उसके बाद हम लोग वहाँ के डीएम और एसपी से भी मिले थे और वहाँ के डीएम ने हमें बताया था कि जो पूरा वहाँ झगड़ा हुआ, पहले तो राजपूतों ने शबीरपुर पर हमला किया, दलित बस्ती जलाई, लोगों को पीटा, घर जला दिए। उसके बाद जब दो दिन बाद दलित युवाओं ने उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक कॉल दिया तो दलित युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, तो ये नहीं लग रहा, साइकिलें छीन ली गई। उससे उद्विग्न होकर हाथ डालो भैया पीछे, वहाँ पर चक्का जाम किया और ट्रैफिक रोक दिया। उस समय प्रशासन ने चंद्रशेखर को फोन करके बुलाया कि आप आइए और आकर के यहाँ शांति स्थापित कराइए। तो हमें डीएम ने खुद बताया कि चंद्रशेखर अपने सरकार इस समय जो है वो दुर्भाग्य से वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो खुद राजपूत है और दलितों का जो ये उभार है ये उनको बड़ा नागवार गुजर रहा था। तो उन्होंने चंद्रशेखर को फर्जी मामलों में फंसाया और उनको जेल में डाल दिया। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि एडवोकेट चंद्रशेखर पर जो चार मामले बनाए गए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीति से प्रेरित है। ये एक तरीके से कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के मुंह पर तमाचा है, थप्पड़ मारा है कोर्ट ने। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का पालन करते हुए एडवोकेट चंद्रशेखर को तुरंत रिहा कर देना चाहिए था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस दिन रिहा करना था उनके ऊपर एनएसए लगा दिया। अच्छा, एनएसए उस व्यक्ति पर नहीं लगाया जा सकता जो 3 महीने से ज़्यादा जेल में बंद हो और ये कई हाई कोर्टों का फैसला है। उसके बावजूद ये जो बेवकूफ सरकार है उत्तर प्रदेश योगी की, इन्होंने उन पर एनएसए लगाया जो कोर्ट में टिकेगा नहीं। अब ये जो पूरी लड़ाई है ये दलित वर्सेस सवर्ण जाति है, ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है भारत की न्याय व्यवस्था को बचाने। क्योंकि अगर आप न्याय व्यवस्था पर हमला करेंगे तो भारत का जो राज है पूरा, जो सिस्टम है पूरा, वो नष्ट हो जाएगा। भारत की अदालत की बात अगर सरकारें नहीं मानेंगी तो भारत का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो हम लोग तो सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस हमको मार रही है। अरे अगर सिस्टम न रहा तो तुम भी नहीं रहोगे, क्योंकि पुलिस की तभी तक पुलिस है जब तक इस देश में अदालत है, कानून है, संविधान है। तो हम तो कानून, संविधान और अदालत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों के ऊपर हमला करना तो ऐसा हो गया कि आप अपनी ही कानून को नष्ट करना चाहते हैं। तो ये जो इस समय चंद्रशेखर की लड़ाई है ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये भारत में न्याय व्यवस्था को बचाने की लड़ाई है और जो समानता का अधिकार है कानून में उसको बचाने की लड़ाई है। एक बात हमें और समझ लेनी चाहिए, इस दुनिया में अलग अलग देशों में बहुत तरह के भेदभाव रहे हैं। अमेरिका में एक वक्त था कि वहाँ जो काले लोग थे उनको बसों में बैठने नहीं दिया जाता था, अगर कोई काला बैठ जाता था तो गोरा कोई आता था तो खड़ा होना पड़ता था, खड़े हो जाओ। वहाँ पर आंदोलन हुआ और उसके बाद वो भेदभाव ख़त्म हुआ। कोई ये नहीं कहता कि अमेरिका जो करता था अपने कालों के साथ वो बहुत शान की बात थी, बल्कि आज वहाँ के गोरे भी कहते हैं कि ये बहुत शर्म की बात थी कि हमारे लोग भेदभाव करते थे। आज जो भारत में हो रहा है वो शर्म की बात है, जो जातिवाद है वो शर्म की बात है। ना सिर्फ वो दलितों के लिए बुरा है बल्कि जो भेदभाव कर रहे हैं उनके लिए भी शर्मनाक है। आने वाली नस्लें
जब पढ़ लिख जाएंगी, अकलमंद हो जाएंगी, तब वो कहेंगे कि आप लोग इतने बेवकूफ थे कि आप इंसान को छूने से नफरत करते थे, आप इंसान को छोटा समझते थे, आप इतने बेवकूफ थे। तो हम ना सिर्फ दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सवर्णों की भी इज्जत बचा रहे हैं। तुम्हारे बच्चे बेइज्जती करेंगे तुम्हारी कि तुम कभी इतने बेवकूफ थे कि तुम इंसानों से नफरत करते थे। तो ये पूरी इंसानियत को बचा, तो ये लड़ाई हमारी जो है ये इंसानियत को बचाने की लड़ाई है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये न्याय व्यवस्था और संविधान को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई को हम बिना रुके बिना डरे जारी रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल करेंगे। कॉमरेड हमारे जो साथी हैं चंद्रशेखर, वो बाहर आएंगे और वो इस देश के एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। और हमें बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ना हम लोग डरे हुए हैं। हमारे नेता आज नहीं तो कल बाहर आएंगे, और जेल में तो इस देश के बड़े बड़े लोग गए, सारे नेता इस देश के जेलों में से निकल करके नेता बने। तो हमारे चंद्रशेखर भाई भी बहुत बड़े नेता बनेंगे और इस देश को के युवाओं को दलितों को एक नई दिशा देंगे। तो हम लोग इस संघर्ष को जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार। जय भीम।